हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। लाखों लोगों के लिए ये संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज देश में करोड़ों गरीबों के अपने पक्के घर का सपना सच हुआ है। सबके लिए आवास की ये संकल्प यात्रा सिद्धि की ओर तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इन झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में दिक्कतों में गुजर बसर करने वाले इन लोगों को बेहतर रहन सहन प्रदान करने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को विस्तार दिया। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले हजारों दिल्ली वासी परिवारों के लिए गुणवत्ता युक्त मॉडर्न EWS फ्लैट्स का निर्माण किया है। 345 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना के पहले चरण के तहत 3.068 हेक्टेयर में 5 टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल 3024 EWS फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स में भूमिहीन JJ कैंप के परिवार बसेंगे। 25 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल में बनने वाले इन फ्लैटों में सभी आधुनिक जरूरतों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये फ्लैट्स एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और एक हवादार और सूर्य प्रकाशित बालकनी से युक्त है। ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर जवाहरलाल कैंप और नवजीवन कैंप के परिवारों के पुनर्वास की रूपरेखा तैयार है। जेलर वाला बाग स्लम बस्ती और कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए भी फ्लैटों का निर्माण जोरों पर है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, पोजेशन लेटर्स तैयार हैं। लाभार्थियों की आंखों में अपने फ्लैट की चाबी मिलने की खुशी साफ दिख रही है। मोदी जी द्वारा हमें A14 पॉकेट में फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं, इससे मेरा, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे दो बच्चे हैं उनका भविष्य आगे आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा उज्जवल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर है ये एक अनुपम उपहार। सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी।